चलिए जी, झील सैफुल मुल्क लेके चलते हैं। ये तो वो ब्रिज है जहाँ से सारी जीपें आपको मिल सकती हैं झील सैफुल मुल्क जाने के लिए। हम तो अपनी जीप नारा वहाँ से बटाकुंडी से लेके आए थे, इसलिए हमने यहाँ पे आके रेंट नहीं की, लेकिन हमने वहीं से ही बटाकुंडी से जीप का सफ़र शुरू कर दिया था। तो अभी तक तो होशहवास ठिकाने हैं और खूबसूरत मंजर लग रहा है, पानी वानी बह रहा है, लोग बैठे हुए उधर। अभी सफ़र जो शुरू हुआ है बीच इसका जीप का यहाँ तक झील सैफुल मुल्क तक, हैरत ज़दा कर गया कि इस कदर ख़राब रास्ता भी कोई हो सकता है इस ज़माने में, जो कि इतने टूरिस्ट जाने के लोगों के लिए जगह है। यहाँ पे भी शुमार होटल आस में बने हुए थे, ज़रा सा पैच जो है सड़क का थोड़ा सा सही आया था। मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सका इसी वजह से, क्योंकि अपने आप को संभालूँ या कैमरे को संभालूँ, हिल हिल के सब लोगों का, हम तीन मुसाफिर थे जीप के अंदर और सबका हशर नशर हो गया। पता नहीं ये ड्राइवर कैसे चलाते हैं रास्ते के ऊपर, उनका कितना हशर नशर होता होगा, लेकिन हम तो मंजारे से क्या देखें, अपने आप को रोकने के चक्कर में थे, इधर टकराएं उधर टकराएं, इधर गिरें उधर गिरें। चलिए जी, अब झील से सैफुल मुल्क पहुँच के बक्के आपको वहाँ के मनाज़र दिखाते हैं। तो भाई मनीष जो है यंग, उन्होंने पकड़ लिया हमें कि हम आपको बोट की राइड देंगे। अब वो जोर लगा रहे हैं खूब, और हम जो हैं इस वक्त झील सैफुल मुल्क में मज़ा ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और जनाब कहाँ से आए हैं? अभी तो कराची से आए हैं, लेकिन ये कि झील सैफुल मुल्क, लेकिन ये कि इसके पहाड़ के पीछे सुना एक और झील भी है, तो देखते हैं कि वो भी। मुनीर ने कहा कि जाना तो बताना, मैं लेके जाऊंगा पैदल। तो ये जनाब झील सैफुल मुल्क जो बहुत मशहूर है, बहुत कम रश है आजकल, सीज़न ऑफ है, वरना ये भरा हुआ होता है लोगों से, वरना जीपें ही जीपें होती हैं यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। इस वक्त कोई जीप वीप इतनी नहीं है। क्या ख्याल है बेगम साहब आपका? कुछ भी नहीं। और हम कैसे आए हैं यहाँ पे? उछलते कूदते उछलते कूदते, इस वक्त पता नहीं कि कौन सी चीज़ हमारी किस जगह पे पहुँच गई, जिसमें अंतरणियाँ वंतरणियाँ सभी ले ला गई हैं, लेकिन कहाँ पहुँच गई पता नहीं। उम्मीद है कि सही जगह पे होंगी। तो ये है झील सैफुल मुल्क का जनाब मंजर। अब जिसको पसंद आए वो अच्छी है, वैसे साफ है, ठीक है, अच्छा पानी है, ठंडा पानी है। बा ठंडा पानी है, पानी ठंडा है, कितना ठंडा है ना, के बस हम नहा लें, बहुत ठंडा है भाई। मुनीर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं पहुँचाने पे, दूसरे एंड के ऊपर देखें, पहुँचाते हैं थक जाते हैं बीच में। ये है चप्पू वाली बोट, मेहनत वाली। स्कूल की छुट्टियों के जब काम करते हैं, अच्छा स्कूल चलते हैं, अच्छा स्कूल जाते हैं, वाह अच्छी, एट में, वाह वही वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेहनत कर रहा हूँ इसमें, छुट्टी छुट्टियों में कुछ पैसे घर वालों को दोगे? हाँ अच्छा, ये पैसे घर वालों को नहीं जाते? नहीं, घर वालों को क्यों दें, घर वाले हमें खाने के लिए बाद स्कूल का टाइम नहीं देता। अच्छा आपने अभी तुम्हारे तो तुमने बालों का भी बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है अपना। ये ऊपर पहाड़ों पर बर्फ भी है उस तरफ भी, थोड़ी सी इस तरफ भी है, उधर ग्लेशियर जो है इस पे वो स्लाइड उन्होंने लगाए हैं कि आपकी वो शायद ट्यूब है या कुछ और स्लाइड है, तो आप चढ़ें ऊपर से फिसल के नीचे आएँ। तो जी किश्ती वाला 2 किलोमीटर की जानबाजी मेहनत करने के बाद हमें इस तरफ लेके आ गया है वो, और हम वहाँ से चले थे, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इस तरफ, वहाँ से चल के आए हैं। बहुत ही मेहनत, हकीकत चप्पू हैं, मोटर बन रहे हैं यहाँ पर, मोटर अलाव नहीं है झील सैफुल मुल्क में। पानी की क्वालिटी को सही रखने के लिए उन्होंने मोटराइज बोट बना की हुई है। तो भाई बताया गया है, सामने जो घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मवेशी जो पाल रखते हैं वो, उनकी जगह बनी हुई है रहने की, लेकिन अभी यहाँ पे उनका चारा खाना पीने का सामान ख़त्म हो गया, तो वो नारान वगैरह की तरफ चले गए नीचे, लेकिन दोबारा आएंगे यहाँ पे और ये घर फिर आबाद हो जाएंगे और इसी में मवेशी भी होंगे बहुत सारे। तो ये है ज़िंदगी यहाँ की, कि आते हैं जाते हैं, लेकिन घर में ताले सामान वामान पड़ा हुआ है, घरों में चरपाई वगैरह पड़ी हुई है, ताला लगा के जाते हैं, लेना जाए कोई। तो साहबजादी को शौक है पहाड़ों पे टीलों पे चढ़ने का, तभी बताया जा रहा है कि ये जैसे ये तो घर बने हुए ठीक है उसके दरवाजे, लेकिन जब मर्द वगैरह हों या ज़्यादा लोग हो जाएं तो यहाँ पे इस जगह पे टेंट लगा के सोते भी हैं। और सामने जो आपको पैचेस नज़र आ रहे हैं इसमें अपनी सब्जियाँ सीजन के हिसाब से, अभी उन्होंने पत्थर लगा के दरवाजे सारे बंद कर दिए ताकि लोग अंदर ना जाएं। Shaw
वक्त आए के मुलाकात हो आवाज़ से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सकी तेरे आने की खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, याद तेरी